वही जंगलों की आग से पूरा उत्तराखंड बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वन अग्नि का दीर्घकालिक असर पहाड़ के पर्यावरण और वातावरण में पड़ रहा है। बता दें, इकोलॉजिकल सिस्टम भी गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि कार्बन उत्सर्जन की बात की जाए तो अलकनंदा घाटी में सामान्य दिनों की तुलना में 17 गुना कार्बन बढ़ गया है। इसका खुलासा HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोध में हुआ है। बता दें कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में अत्याधुनिक मशीनों के जरिए पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों में नजर रखी जाती है, जिसके लिए वैज्ञानिकों की ओर से एथेलोमीटर विश्लेषक लगाया गया है, जिसमें इन दिनों वनाग्नि के बाद हो रहे कार्बन उत्सर्जन की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही यहां पर एथेलोमीटर से अहम डेटा भी जुटाए जा रहे हैं। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। और हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर फिजिक्स में अपना PhD वर्क कर रहे हैं और आज एक हमें इवेंट मिली है जिसमें ब्लैक कार्बन और फॉरेस्ट फायर की वजह से ब्लैक कार्बन की मात्रा कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे बढ़ती दिखाई दे रही है और काफ़ी दिनों से फॉरेस्ट फायर हो रही है और जिसकी वजह से आज टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट हुआ है और ब्लैक कार्बन की कंसंट्रेशन में भी इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए, जो वनाग्नि है जिसको हम फॉरेस्ट फायर बोलते हैं बेसिकली, इससे जो है हमारी आंखों में नुकसान हो रहा है। जैसे सुबह उठते हैं उसमें आंखों की जलन वगैरह महसूस हो रही है, हमें हमारे जो बॉडी में है जो हम सांस ले रहे हैं उस सांस को लेने में भी हमें तकलीफ हो रही है। हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन हमको मिल नहीं पा रही है इस फॉरेस्ट फायर की वजह से, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है और जो हमारे आसपास में जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए भी ये बहुत हानिकारक है।